हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेनू विद शुभी मिन्हाज। तो मैं हूं शुभी। आज फिर से मैं एक बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन करने वाली हूं, बिल्कुल अलग ढंग का। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। ये 2 पाउंड का पाइनएप्पल केक था जिसके लिए मैंने लिया है ये ट्रोपोलाइट का वनीला प्रीमिक्स। और केक तो ये 2 पाउंड का था मगर इसमें क्रीम बहुत कम यूज़ करने के लिए कहा गया था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ये प्रीमिक्स। तो ऐसे मैनेज करना पड़ता है, अगर क्रीम कम यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्रीमिक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें मैंने मिला दिया है पाइनएप्पल इमल्शन। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी के साथ मिक्स करेंगे और एक अच्छा सा स्मूथ सा लम फ्री बैटर बनाएंगे। एक साथ पानी मत डालिएगा नहीं तो बैटर आपका गीला हो जाएगा। और हर ब्रांड के प्रीमिक्स का अलग अलग हिसाब होता है, किसी ब्रांड में पानी कम लगता है और किसी में ज़्यादा, तो वो उसका कोई नाप तौल पानी का नहीं है, अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें 2 टीस्पून ऑयल डाला है बैटर ये प्रीमिक्स के हिसाब से, और फिर एक बार कट एंड फोल्ड कर लेना है ताकि कहीं पर सूखा बैटर ना रह जाए इसलिए। तो आज का जो केक था वो रेक्टेंगल बनना था, तो मेरे पास रेक्टेंगल टिन था तो मैंने उसको यूज़ किया है। अगर आपके पास नहीं हो तो स्क्वायर टिन से भी रेक्टेंगल केक आराम से बन जाएगा। और अब सारे बैटर को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और केक में पूरा मैंने बटर पेपर चारों तरफ से लगाया है ताकि जो साइड केक का होता है ना वो भी अच्छा सॉफ्ट निकले। इसके बाद इसको टैप कर दिया है अच्छे से ताकि बड़ा एयर बबल जो है वो निकल जाए। अब इसको लेके चलेंगे ओवन की तरफ। तो मेरा ओवन 130 डिग्री पर प्री हीट भी था और उस उतने ही पर मैं इसे बेक भी करूँगी, तो आधे घंटे तक इसको बेक करने के लिए छोड़ दिया है। जब तक केक बेक हो रहा है तब हम चॉकलेट गार्निशिंग बना लेते हैं। तो एक सॉस पैन में मैंने पानी गर्म कर लिया है और उसमें एक बोल रख के वाइट चॉकलेट 1 पट्टी पूरी मेल्ट करने के लिए रखी है। और देखिए मेल्ट हो भी गया है, बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट हम 4 जगह पर निकाल लेंगे। ये छोटी कटोरी मैंने ले ली, उसमें थोड़ी थोड़ी चॉकलेट निकाल लिया है। तो ये चारों कटोरियों में मैंने चॉकलेट ले लिया है। अब इसमें मुझे पाउडर कलर मिलाना है, तो इसका मुझे पेस्टल शेड तैयार करना है जैसा यूनिकॉर्न का होता है उसी टाइप का। तो मैंने एक में पर्पल ले लिया है, फिर एक में ब्लू ले लिया है, एक पिंक है और एक में येलो ले लिया है। ये पाउडर कलर इसमें मिक्स कर दिया है। अब 2-2 बूंद मैंने इसमें ऑयल भी डाला है ताकि हमारी जो चॉकलेट है वो कडल बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इसे अभी हमें मोल्ड में शिफ्ट करना है। तो इस तरह से चारों कलर को हम मिक्स करके रख लेंगे। तो डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत अलग तरह के तरीके की है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरी वीडियो को वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो ये अब देखिए मेरा चारों पेस्टल कलर बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया और कितना प्यारा कलर लग रहा है। अब इस वाइट चॉकलेट में हम इसको मिक्स करेंगे, मतलब अलग अलग ही गिराना है, इसको इकट्ठे एक जगह पर नहीं गिराना है, हमें सिर्फ शेड देना है, इसको यूनिकॉर्न वाला कलर देना है, इसीलिए हम अलग अलग जगह पर ये चारों कलर को इस तरह से गिरा देंगे। इसको गिराने के बाद हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स नहीं करना, बिल्कुल हल्का अलग मिक्स करना है। तो इससे जो हम गार्निशिंग बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा प्यारा सा रेडी होगा। तो ये लॉलीपॉप वाला मैंने मोल्ड लिया है, अब इसमें जितनी इसकी कैविटी उसमें हम इसे फिल कर देंगे। बच्चों को इस तरह का केक बहुत पसंद आता है। जब ये केक लेके मैं गई थी, मैं भी वहाँ इनवाइटेड थी, तो सबसे पहले बच्चे सारे ये जो चॉकलेट है मेरी सारी चॉकलेट ही लेके गायब हो गए। तो बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं मिनी चॉकलेट्स बना रही हूँ, जितनी मेरे पास चॉकलेट है बची हुई उतना मैं बना लूँगी। और अगर इसके बाद भी आपके पास कभी चॉकलेट बच जाए तो आप ऐसे ही बना के स्टोर कर लीजिए एयर टाइट कंटेनर में, तो आपको अचानक से कभी भी कोई केक का ऑर्डर आए तो आप डेकोरेट करके दे सकते हैं। जितना एक्स्ट्रा चॉकलेट ऊपर है ना उसको निकाल लेना है और उसके बाद हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा टैप कर देना है। अगर ये आप ऐसे क्लीन नहीं करेंगे तो भी वो ड्राई होने के बाद अच्छे से क्लीन हो ही जाता है। इसको मैंने सेट होने के लिए छोड़ दिया, जब थोड़ा सा ये सेट हुआ तो इसमें इस तरह से मैंने स्टिक लगा दिया लॉलीपॉप वाला।
हालांकि मुझे स्टिक को दो टुकड़े में कट कर लेना चाहिए था क्योंकि बहुत लंबी लंबी स्टिक थी, बाद में मुझे काट के हटाना ही पड़ा इसको। और स्टिक लगाने के बाद भी इसको थोड़ी देर सेट होने के लिए छोड़ देना है ताकि स्टिक पहले अपनी जगह पर सेट हो जाए अच्छे से। तो वो थोड़ी नीचे वो झुक रही थी तो मैंने इसी तरह से जुगाड़ लगा के इसको सेट किया है। अब मुझे बच्ची का नाम भी लिखना था तो वही जो चॉकलेट थोड़ी सी बची थी उसमें पिंक कलर ऐड कर दिया है। तो अब इस तरह से मैं इसके मोल्ड में नाम का लेटर निकाल लूँगी। ऐसे बहुत ईजी हो जाता है चॉकलेट से नाम लिखना हो तो। अब इसको भी एक बार हम टैप कर देंगे ताकि अच्छे से बराबर हो जाए चॉकलेट। अब ये देखिए मेरा जो सब चॉकलेट गार्निशिंग है सब रेडी हो गया है। तो अब इसको हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो ये जितना भी एक्स्ट्रा चॉकलेट साइड में इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे और ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो इसी तरह से मैंने सारे चॉकलेट्स को पहले निकाल लिया और इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए हल्का हल्का सा शेड आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और लॉलीपॉप्स में भी बहुत प्यारा प्यारा शेड आया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये सारी गार्निशिंग मेरी रेडी हो गई है। इतना सारा गार्निशिंग बना है और ये सारा जो है हमारे केक पर आज लगने वाला है। तो चलिए अब केक बना लेते हैं। तो ये केक भी मेरा बेक होके ठंडा हो चुका है। अब देखिए साइड बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट है, आप देख रहे होंगे। अब इसके ऊपर की जो पतली सी लेयर है उसको हटा लेना है। उसके बाद हम इसको तीन लेयर में कट कर लेंगे। आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी ज़्यादा हो गई है क्योंकि मैं क्लियर क्लियर सब कुछ बता रही हूँ आपको। ये रेक्टेंगल जो शेप का जो केक होता है उसको कैसे कट करना है, इस तरह से धीरे धीरे कट करना, बस नाइफ रख के आप टर्न टेबल घुमाते जाइएगा तो एक बराबर केक जो है कट जाता है। क्योंकि ये भी मसला आता है, गोल केक तो कट जाता है, रेक्टेंगल स्क्वायर भी कट ही जाता है, रेक्टेंगल में थोड़ी सी दिक्कत आती है, केक पतला मोटा हो सकता है। तो देखिए तीनों लेयर मेरी कट गई है। अब इस ये पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था तो इसमें पाइनएप्पल क्रश और फिलिंग डाल के मैंने इस केक को की लेयरिंग की थी। वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मेरा अभी पाइनएप्पल ही केक बन रहा है लगातार। तो रोज़ ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं क्रश लगाती हूँ और फिलिंग डालती हूँ। इसकी सोकिंग मैंने पाइनएप्पल क्रश और पानी के मिक्सचर से की थी, बहुत अच्छा टेस्ट इससे आता है। अब मैंने केक के हिसाब से बोर्ड ले लिया है और थोड़ी क्रीम अलग कर ली है जितना मेरे लेयरिंग में और क्रम कोटिंग में जाएगी। तो लेयरिंग मेरी हो गई है। अब इसको ऊपर से भी हम थोड़ा सा सोक करेंगे, ज़्यादा सोक नहीं करना था क्योंकि मेरा केक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था, तो ज़्यादा सोक करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर मैंने जितनी क्रीम बची हुई थी उससे उसको डाल दिया है और इससे हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेंगे। आजकल रेक्टेंगल केक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है, स्क्वायर केक और रेक्टेंगल केक। पहले हमारे बचपन में स्क्वायर केक बहुत ज़्यादा बनता था, गोल केक कम ही बनता था। लेकिन बीच के टाइम में लोग गोल केक को ज़्यादा पसंद करते थे, सारी डिज़ाइन उसी पर बनती थी। लेकिन आजकल लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर केक ज़्यादा बनवा रहे हैं। तो ये केक भी वैसा ही है, इसमें डिमांड थी कि यूनिकॉर्न वाला कलर होना चाहिए मगर केक पर यूनिकॉर्न नहीं होना चाहिए, फ्लावर वाला ही केक होना चाहिए, तो वैसे ही मैंने बनाया है। अब इसकी जो फाइनल आइसिंग है मैं वाइट क्रीम से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाया मैंने, हल्का सा वाइट क्रीम ही लगाया है। इसके बाद फिर मुझे कलर वाली क्रीम भी लगानी थी इसीलिए फिर ऊपर भी मैंने क्रीम लगा के इसको अच्छे से लेवल किया है। अब स्क्रेपर घुमा के इसको हम अच्छे से बराबर करेंगे। थोड़ा सा जो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल केक होता है ना इसमें दिक्कत तो आती है कॉर्नर निकालने में, शार्प कॉर्नर निकल जाए एक बराबर रहे,
ऊपर नीचे या टेढ़ा ना हो केक, ये सब रहता है, इसी को थोड़ा धीरे धीरे हमें मैनेज करना होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस काम में। अब ये हो गया है, अब ऊपर से मैंने जितनी एक्स्ट्रा क्रीम थी उसको निकाल लिया है। अब जहाँ भी मुझे लगेगा कि केक सही से नहीं, फिनिशिंग कहीं सही से नहीं आई है, वहाँ वहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छी तरह से फिनिशिंग दूंगी, चाहे इसमें जितना भी टाइम मुझे लगे मैं आराम से इस काम को करती हूँ। यहाँ पर अगर मैं वाइट क्रीम नहीं भी लगाती, डायरेक्ट मैं कलरफुल क्रीम लगाती तब भी हो जाता, लेकिन अगर मैं कलरफुल क्रीम लगा के और उसके बाद इसको बराबर करने जाती तो सारी क्रीम जो है आपस में मिक्स हो जाती, कलर मिक्स हो जाता, तो वो कलर जो मुझे चाहिए वो नहीं निकल के आता। इसीलिए मैंने पहले वाइट क्रीम से इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली अच्छे से। अब ये कलर वाली क्रीम जो मैंने रेडी की है सेम वही कलर है जो मैंने चॉकलेट में यूज़ किया है। अब इससे हम इसको जो है यूनिकॉर्न वाला कलर देंगे। अब पाइपिंग बैग को कट किया है, बस एक एक लाइन जो हमें चारों कलर का डालना है। पहले ब्लू डाला, फिर पिंक डाला, तो इसी तरह से पिंक भी हो गया, येलो भी हो गया, बिल्कुल लाइट पेस्टल कलर है येलो का, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब पर्पल, तो ये जेल कलर है और चॉकलेट में जो यूज़ किया था वो पाउडर कलर था, इसलिए थोड़ा सा फर्क है कलर में, लेकिन बहुत ही प्यारा शेड दोनों आया है। अब इसको हमें बराबर करना है, तो बस स्क्रेपर को एक तरह से हम घुमाएंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो कलर मिक्स हो जाएगा, तो इसीलिए या फिर अगर करना है दोबारा तो आप स्क्रेपर को क्लीन ज़रूर कीजिए, नहीं तो एक कलर दूसरे में मिक्स हो जाएगा, फिर आपका जो कलर चाहिए वो नहीं मिलेगा। अब जो स्क्रेपर पर कलर लगा था ना, बस जस्ट वही कलर मैंने उठाया है और उसको ऊपर से इस तरह से डाल दिया है। देखिए कितना नीटली कलर आया है साइड वॉल पर, सारा कलर एकदम क्लीन नज़र आ रहा है। अब ऊपर जो पर्पल थोड़ा सा क्रीम बाहर की तरफ थी उसको अंदर की तरफ ले आना इस तरह से। ये साइड में पर्पल आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम साइड में फ्लावर बनाने वाले हैं, तो ये सारा पर्पल क्रीम जो है वो फ्लावर में ढक जाएगा, तो बीच का सिर्फ शेड जो है यूनिकॉर्न वाला वही दिखेगा। अब हम इस पर ब्रश नीचे से ऊपर स्ट्रोक देते हुए चला देंगे ताकि हमारी थोड़ी बहुत भी जो फिनिशिंग में कमी रही हो वो बिल्कुल छुप जाए, और इससे अच्छा भी लगता है, मतलब जो आप कलर डालते हैं हम वो कलर बहुत उभर के सामने आता है। अब यही ब्रश मैं अंदर की तरफ भी चला दूंगी इस तरह से। तो हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया केक का, अब बस डेकोरेशन इस पर करनी बाकी है। तो ये N1 नोजल मैंने यूज़ किया था, बस एक ही नोजल यूज़ किया है। अब ये जितने तरह की क्रीम है थी बची हुई मेरे पास, एक एक करके हम इस पाइपिंग बैग में डालेंगे। ये वाला पाइपिंग बैग मैंने बड़ा लिया है ताकि सारी क्रीम इसके अंदर आ जाए। एक एक साइड में मैंने ये कलर चारों कलर को डाला है ताकि मैं जब मैं इससे फ्लावर बनाऊँ तो सब कलर उसमें दिखना चाहिए, मिक्स नहीं होना चाहिए, अलग अलग दिखना चाहिए। तो ये रेडी हो गया, अब इसको हम देख लेंगे कि सही से कलर आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल सही आ रहा था मेरे फ़ोन से कलर। अब इस तरह से मैंने रोजेट बनाया, इतना प्यारा लग रहा था ये देखने में। तो बस डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है लेकिन इतना प्यारा लग रहा था। पहले कॉर्नर पर मैंने रोजेट बना दिया है कि उसके बाद कहीं पर सिंगल फ्लावर, कहीं पर छोटा रोजेट, ऐसे करके पूरे केक के साइड्स को मैंने फिल कर दिया इसी से। देखिए यहाँ पर मैंने बड़ा सिंगल फ्लावर बनाया, फिर छोटे छोटे रोजेट बनाए, फिर सिंगल फ्लावर बनाए, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा, ऐसी डेकोरेशन बहुत प्यारी लगती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। क्लियर सारा कलर एक एक करके दिख रहा है, कोई भी मिक्स नहीं हुआ एक दूसरे में।
ये चारों कॉर्नर पर मैंने फ्लावर बना लिया है। अब बीच वाले एरिया को भी मैंने फ्लावर से ही कवर कर दिया था, क्योंकि क्रीम भी थी मेरे पास और ये मिक्स क्रीम रखी रहती है तो यूज़ भी कम ही आती है, तो इसलिए इसको मैंने पूरा यूज़ कर लिया। और बहुत ही प्यारा लगा, जहाँ मैं लेके गई वहाँ भी लोगों को केक बहुत अच्छा लगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा था केक का, क्योंकि मैं खुद अपना केक बहुत कम नहीं के बराबर खाती हूँ, लेकिन कभी अगर जहाँ मेरा केक जा रहा हो और मुझे भी वहाँ जाना है तभी मैं अपना केक ट्राई करती हूँ। और बहुत टेस्टी था मेरा केक। अब नीचे जो है बॉर्डर में भी मैंने इसी तरह से सिंगल सिंगल फ्लावर बना दिया, और फिर से मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को पूरी वॉच ज़रूर कर लिया कीजिए, और वॉच करने के बाद एक लाइक का बटन दबा दिया कीजिए, जिसमें आपको थोड़ी भी मेहनत नहीं लगेगी। और अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मगर मेरी वीडियो को वॉच ज़रूर किया कीजिए। देखिए कितना प्यारा सा, कितना अच्छा जो है केक रेडी हुआ, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और डेकोरेशन बहुत सिंपल है लेकिन बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब जितनी भी क्रीम मेरे पास थी बस उसको सिंगल सिंगल फ्लावर बना दिया साइड से, कि भरा भरा सा केक मेरा लगे। अब इसके बाद मैंने ये जो गार्निशिंग सारी बनाई थी वो लगाया, सारी डंडी को मुझे छोटी करनी पड़ी, तो ये चारों कॉर्नर पर मैंने चार डाल दिया था, दोनों एक दूसरे के सामने एक जैसा डाला था। एक दो गार्निशिंग मेरी बच गई तो उसको मैंने रख दिया है, आगे कभी केक पर में यूज़ हो जाता है, कभी भी अगर अचानक से ऑर्डर आया तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी गार्निशिंग बनी रखी रहती है तो बहुत आसानी हो जाती है। अब ये मिनी चॉकलेट था उसको साइड में लगा दिया, तो जितने भी लोग पार्टी में थे उन लोगों को मेरा केक तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब आप लोगों को कैसा लगेगा वो तो आप बताइएगा। इसके बाद मैंने एक प्यारा सा जो बर्थडे का हैप्पी बर्थडे का इस पर टॉपर लगाया था, बिल्कुल मैच करता हुआ केक से। इसके बाद बच्चे का नाम यहाँ पे जो चॉकलेट से बना के रखा था वो लगा दिया। इस तरह से मेरा केक जो है कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन मगर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मेरे पास क्रीम थोड़ी बहुत बची थी मेरे पाइपिंग बैग में, तो थोड़ा एक दो ड्रॉप और इसमें डाल दिया नाम के आसपास, और सेम कलर कॉम्बिनेशन मेरे पास ये स्प्रिंकल था बिल्कुल बारीक वाला, तो ये भी स्प्रिंकल भी डाल दिया। उसके बाद ये जो सिल्वर कलर का बॉल आता है स्प्रिंकल, वो भी चारों कोने में डाल दिया, चारों रोजेट पर और कहीं कहीं पर, मतलब सिल्वर स्प्रिंकल से और मल्टी कलर वाले स्प्रिंकल दोनों ही से मैंने इसको डेकोरेट किया। तो देखिए कितना प्यारा केक रेडी हुआ, कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको केक डेकोरेट करना केक बनाना पसंद है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से आके कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए कल फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना पूरा अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।